फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके बाल इतने लंबे हो जाएं कि सब देख के हैरान होने लग जाएं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आज मैं एक ऐसा मैजिकल ट्रीटमेंट करने वाली हूँ ना आप सबके लिए कि आपको इसका रिजल्ट तुरंत ही देखने को मिलने वाला है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए बताती हूँ कि रेमेडी आपको कैसे तैयार करना है। वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, साथ ही साथ वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ जो आपको लेना है वो आपको लेना है आंवला पाउडर। जी हाँ, आंवला तो आपको पता ही है कि ये हमारे बालों को एक नेचुरल तरीके से वो लंबा करता है, घना करता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो ये आपको 1 टेबल स्पून आंवला पाउडर लेना है। अब सेकंड चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, वो मैं ऐड करने वाली हूँ कैस्टर ऑयल, जिसे कि अरंडी का तेल कहा जाता है। ठीक है, ये तो मेरा फेवरेट ऑयल है, इसे तो आप इस्तेमाल कीजिए ही अपने बालों पर। बालों की खूबसूरती में ये चार चांद ऐसे लगा देता है, इतने तेज़ी से लंबे करता है आपके बालों को कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे इसको देख के। ये आपको 2 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल इसके अंदर कर लेना है ऐड। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ विटामिन ई का कैप्सूल, जो इजली आपको केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा। इसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि ये आपके बालों को खूबसूरत बनाता है, लंबा बनाता है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा घना बना देता है। तो ये आपको 1 विटामिन ई कैप्सूल इसके अंदर कर लेना है ऐड। अब एक लास्ट चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, वो मैं ऐड करने वाली हूँ लेमन। ठीक है, ये क्या करता है, आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसे भी ये हमेशा के लिए रिमूव कर देता है। तो ज़्यादा नहीं, ये 4 to 5 ड्रॉप इसके अंदर आपको ऐड कर लेना है। अब इसको अच्छे से आप कर लीजिए मिक्स। ये हमारा ट्रीटमेंट बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। इसे अप्लाई करने के लिए जैसे कि आप नॉर्मल अपने हेयर पर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आपको अपने बालों की जड़ों में इसको अच्छे से मसाज करना है। कम से कम आधे घंटे तक इसे अपने बालों पर ऐसे ही लगा रहने दीजिए। आधे घंटे के बाद जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं आप, उससे अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। महीने भर के अंदर आपको एक ऐसा जादुई रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। तो इस ट्रीटमेंट को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि इसका रिजल्ट आपको कैसा लगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।